नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट। मैं हूं आपके साथ सिराज। उत्तर प्रदेश में कृष्णा पटेल के नेतृत्व वाली अपना दल कामेरावादी ने 3 सीटों पर दावा ठोक दिया है। अपना दल कामेरावादी ने बुधवार को एक चिट्ठी जारी कर ऐलान किया कि इंडिया अलायंस के साथ हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। अपना दल कामेरावादी ने कहा कि पार्टी मिर्जापुर, फूलपुर और कौशाम्बी लोकसभा सीट पर चुनाव लड़ेगी। हालांकि उसी समाजवादी पार्टी की ओर से भी लिस्ट जारी कर दी गई जिसमें मिर्जापुर से उम्मीदवार उतार दिया गया। हालांकि अब इंडिया अलायंस के तेवर पल्लवी पटेल की पार्टी के आगे नरम पड़ते दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव 2024 समाजवादी पार्टी और उसकी सहयोगी अपना दल के बीच मतभेदों पर कांग्रेस प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन में कई पार्टियां शामिल है, सभी दल एक दूसरे का सम्मान करते हैं और अगर किसी तरह की छोटी मोटी गलतफहमी या मुद्दा है तो हम चर्चा करेंगे और उसे सुलझा लेंगे। दीगर है कि इंडिया गठबंधन में शामिल अपना दल कामेरावादी ने बागी रुख अख्तियार करते हुए यूपी की 3 लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारने का फैसला किया है। इसकी घोषणा खुद पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने की है और पार्टी ने बुधवार को फूलपुर, मिर्जापुर और कौशाम्बी लोकसभा सीट से प्रत्याशी उतारने की घोषणा की। अपना दल कामेरावादी की राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल ने कहा कि हम लंबे समय से इंडिया गठबंधन के साथी हैं। इंडिया गठबंधन की हर मीटिंग में हम शामिल रहे हैं। पार्टी ने 3 सीटों पर लड़ने का जो है ऐलान किया है। अपना दल कामेरावादी की नेता पल्लवी पटेल समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और पल्लवी पटेल जो है समाजवादी पार्टी के सिंबल से सिराथू कौशाम्बी सीट से विधायक हैं। उन्होंने राज्यसभा चुनाव में सपा से बगावत की थी। उन्होंने पार्टी द्वारा घोषित किए गए उम्मीदवारों पर सवाल उठाते हुए जो है कहा था कि इसमें पीडीए पिछड़ा यानी दलित और अल्पसंख्यक की अनदेखी की गई है। इसके बाद से ही उनके सुर बगावती रहे और अब उन्होंने सपा से अलग हटकर लोकसभा चुनाव लड़ने की बात कही है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट के साथ।